ये तो खुद आप कह रहे हैं, और हमें तो याद है कि वेदांती जी ने कई मरतबा तारीखें दी हैं टीवी में, मैंने सुना है। आखिरी मरतबा उन्होंने 30 सितंबर की तारीख दी थी कि 30 सितंबर से मंदिर बनाना शुरू हो जाएगा। आज 3 नवंबर हो चुका है, अभी तक तो वहाँ एक ईंट नहीं रखी गई। मेरा सिर्फ कहना है, देखिए ये इस तरह के बयानबाजी सिर्फ इलेक्शन के लिए हो रही, वरना सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को वायलेट करना वो उनकी ना हिम्मत है, ना उनकी सरकार की हिम्मत है, और ना अफसरान की हिम्मत है। क्योंकि पिछले कंटेंट में जो बानवे का है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर और DM SSP तक सब मुलजिम हैं, मुकदमा भी चल रहा CBI में। तो अब कोई दोबारा हिम्मत नहीं करेगा चीफ सेक्रेटरी या DM या SSP कि वहाँ किसी को जाने दे। प्रॉपर्टी के कस्टडी में है, उसका प्रोटेक्शन वो लोग कर रहे हैं। अथराइज कमिश्नर जिम्मेदार, चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार, DGP जिम्मेदार है। तो अब कोई DGP या कोई DM हिम्मत नहीं करेगा वहाँ किसी को एक ईट रखने दे। उनके बयान में क्या फ़र्क है, वेदांती जी उनका बयान में क्या फ़र्क है, और डेट का फ़र्क पड़ रहा खाली। तो जो वेदांती, मैंने वेदांती जी के बारे में कहा वही इनके बारे में सुनेंगे बार बार के, और ये अभी और बयान भी आएंगे, आप उनके बारे में पूछेंगे तो हमारा पहले से बयान समझिए वही होगा जो वेदांती जी के बारे में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ कोरी बयानबाजी है, सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हैं, कोई और उसका होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी की हिम्मत इतनी नहीं है, खास तौर से अफसरान की। देखिए अफसरान के कैरियर होता है, इनका तो कोई कैरियर से नहीं जाता है, लेकिन अफसरान का और चीफ मिनिस्टर का, या तो चीफ मिनिस्टर ही होने देंगे कि उनको कंटेनमेंट कल्याण सिंह की तरह बुलाया जाए, और न ये अफसरान होने देंगे। तो ये मामला उनका सुप्रीम कोर्ट का, हमारा इसमें कोई लेना देना।